नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटीएफटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। आज बिहार शरीफ शहर के देकुली घाट रोड स्थित रोटरी क्लब ऑफ नालंदा के द्वारा आयोजित होने वाली ओपन टैलेंट कॉन्टेस्ट के पंजीकरण संस्थान का उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी केशव कुमार के द्वारा फीता काट कर किया गया। उद्घाटन के पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि ये कंटेस्टेंट के द्वारा पंजीकृत छात्र छात्राओं का कॉमन टेस्ट लिया जाएगा और इस टेस्ट में जो भी प्रतिभागी जितना प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं उन छात्रों को किसी भी संस्थान में किसी भी कोर्स में नामांकन करवाने पर उनके प्राप्त अंक के प्रतिशत के बराबर की छात्रवृत्ति रोटरी क्लब ऑफ नालंदा के द्वारा प्रदान की जाएगी। इस कॉन्टेस्टेंट में प्रथम पुरस्कार 15,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 7,500 और चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले 47 प्रतिभागियों को 47 साइकिल प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं, साथ ही कॉन्सोलेशन पुरस्कार के तौर पर 50 प्रतिभागियों को 50 बैग प्रदान किया जाएगा। रोटरी क्लब ऑफ नालंदा के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता से बच्चों के प्रतिभा को निखारने का जो ये कार्य किया जा रहा है वो काफी सराहनीय है। इस मौके पर क्लब के सदस्य सचिव योगेश, अजीत कुमार सिंह, पंकज कुमार प्राचार्य संत जेवियर गर्ल्स स्कूल, पंकज कुमार निदेशक एजुकेशन टावर, राजा बाबू, संजीत कुमार एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। रोटरी क्लब के द्वारा ये बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, ओपन टैलेंट कंटेस्ट जो इन्होंने करवा रहे हैं और इनके द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है बहुत ही अच्छा है। इनकी परीक्षा, इनकी जो टेस्ट लेंगे, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो टेस्ट लेंगे उसमें जितना परसेंट मार्क्स लाएगा उतना परसेंट किसी इंस्टीट्यूशन में यदि नामांकन लेना है तो उतना का फीस यह माफ हो जाएगा, स्कॉलरशिप के रूप में वो दिया जाएगा। ये बहुत ही, इसके लिए इन्होंने जो है 3 प्राइज रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रखा है, उसमें एक में 15,000 रुपया, एक में जो है 11,000 रुपया, एक में 7,500 रुपया और इन्होंने 2,500 करीब बाइसाइकिल बच्चों मैंने साइकिल से अपना कोचिंग जाने वाने के लिए साइकिल प्राइज मिलेगा और कंसल्टेंट मैंने बैग वगैरह इस व्यवस्था की गई है, कंसल्टेशन के लिए की गई है। और ये रोटरी क्लब के द्वारा जो यह कार्यक्रम किया जा रहा है, इनके द्वारा और बहुत से कार्यक्रम होता है। अभी तत्व जिससे पहले हमारे सरकारी स्कूल में इनके द्वारा आई के लिए आग जांच के लिए किया गया था, उसमें कुछ गंभीर वहाँ के प्रधानाध्यापक ने हमको बताया कि सर एक दो बच्चे ज़्यादा गंभीर रूप से इनको इलाज की आवश्यकता है, तो उसको इन्होंने रेफर किया और उसको वहाँ पर इलाज की व्यवस्था इनके द्वारा की जा रही है। तो मैं तो कहूँगा कि इस ढंग के कार्यक्रम में यदि और कोई संस्था करता है तो अति उत्तम बात है, लेकिन रोटरी क्लब के द्वारा जो ओपन टैलेंट कंटेस्ट के माध्यम से जो बच्चों को जो मैंने सुविधा दी जा रही है और उनकी जो प्रतिभा को निखारने का जो काम किया जा रहा है ये काफ़ी सराहनीय है। और नालंदा जिला के बच्चों के लिए तो समझिए कि से एक मैंने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रोटरी क्लब ऑफ नालंदा के अंतर्गत ओपन टैलेंट कॉन्टेस्ट का आयोजन बिहार शरीफ और इसके आसपास के जिलों के लिए किया जा रहा है। इस कॉन्टेस्ट के तहत बच्चे एग्जामिनेशन में बैठेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा और ये बहुत फ्रूटफुल होने वाला है बच्चों के लिए, क्योंकि कोविड काल में बहुत सारे बच्चे थोड़ा डिप्रेस्ड या ये कहिए कि एग्जामिनेशन से इधर उधर हो गए थे, तो एग्जामिनेशन के अलावा इसमें ये है कि स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है और इसमें जितने बच्चे बैठेंगे जितना परसेंट मार्क्स लाएंगे उतना स्कॉलरशिप उनको मिलेगा। इसके अलावा बच्चों के लिए 3 कैश प्राइज है, 11,000 फर्स्ट 15,000, सेकंड 11,000 और थर्ड 7,500 रुपया का कैश प्राइज है। इसके अलावा 47 बाइसाइकिल्स है और 50 कॉन्सोलेशन प्राइज बैग है। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्टेस्ट का हम लोग करने का मतलब ये था कि जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी हम लोग ध्यान दे पाए और हम लोग विशेषकर जो लास्ट 20 बच्चे होंगे उनको हम लोग अडॉप्ट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनको कहीं अगर अच्छा जगह पढ़ता तो उसके लिए हम लोग ये प्राइस के अलावा उनको हम लोग हेल्प भी करेंगे बाय गिविंग सम स्कॉलरशिप। और इसके अलावा रोटरी क्लब ऑफ नालंदा ये चाहेगी कि सारे बच्चे जो बिहार शरीफ में जो पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड और 10th के प्लस 10th प्लस 1 और प्लस 2 के, वो बच्चे इस कंपटीशन में आए, एग्जाम में बैठे और उसको सफल बनाए। रोटरी क्लब ऑफ नालंदा के द्वारा समाज के लिए अनेकों कार्य किया जाता है, समाज कल्याण के लिए बहुत सारी कार्य करते आए हैं और कर रहे हैं और आने वाले समय में करेंगे भी। उसमें से एक अच्छा सा प्रोग्राम निकाला गया है मिशन लिटरेसी के तहत, है ना,
ओपन टैलेंट कॉन्टेस्ट, जिसमें शहर के बच्चों को एक विशेष प्रोग्राम मिलेगी। वो फॉर्म का कीमत ओनली 30 रुपीज, तो 30 रुपये से कई ज़्यादा हम लोग उन्हें बच्चे को देने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एवरी बच्चे एवरी स्कॉलरशिप, सभी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलने वाला, और स्कॉलरशिप है जितना परसेंट नंबर लाएंगे बच्चे उतना परसेंट स्कॉलरशिप बिहार शरीफ के कोचिंगों में मिलेगी, और रोटरी क्लब नालंदा के द्वारा दिया जाएगा या दिलवाया जाएगा, जैसे भी हो। इसके अलावा इसमें रोटरी क्लब नालंदा के द्वारा जो ओपन टैलेंट कॉन्टेस्ट हो रही है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज है। फर्स्ट प्राइज जो है 15,000 का है, सेकंड प्राइज है जो 11,000 का, और थर्ड प्राइज 7,500। इनके अलावा मेरे पास 47 बच्चों को साइकिल है, इनके अलावा 47 बच्चे को साइकिल है, एक दो बच्चे नहीं, और उनके बाद 50 बच्चे को कॉलेज बैग है, यानी कुल मिलाकर 100 प्राइज है। और जो प्राइज के अंतर्गत आएंगे, 100 प्राइज के अंतर्गत आएंगे, उन्हें हमारे कुछ क्लब के डॉक्टर्स हैं जिनके पास इलाज के लिए कोई खर्च नहीं ली जाएगी, है ना, मतलब कंसल्टेंसी चार्ज नहीं ली जाएगी। तो इस तरह से एक अच्छा सा प्रोग्राम हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी बच्चे को इसमें स्कॉलरशिप है। धन्यवाद। रोटरी क्लब नालंदा से प्रोजेक्ट चेयरमैन पकड़। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।